कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। और जितने लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं, जब उसकी दोगुनी पीता हूँ तब होश में आता हूँ। आइए अनजाना तो आपकी लॉकडाउन में बहुत खाना बनाया, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये कहे कि अब हम नहीं बनाएंगे, तो औरत बिगड़ गई। तो क्या कहती है, फटे पुराने कपड़े अपने फेंटते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर खटिया पैक तन्हाई में रहते रहना, मैं महके चली जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं महके चली जाऊंगी। झूठ बोले तरे दरवाजा खोले, ऐसा तरजाला खाते कुत्ता काट लिया। तो ऐसे मेरे मित्र बैठे हैं, बैठा अनजाना बैठा, जैसे सबकी जाए सहजाला बना रहे वैसे हमारे जाए। हाँ हाँ जी, अब दुल्हा बने दिया तो कम से कम मुलमुला या से पावर दिया है कि नहीं। हाँ अकेले मीरा जी कितना रस खान के मतलब ऊर्जा दें, वाह अरे ऐसी मीरा जी हैं। हाँ अच्छा मीरा जी हैं, आधा फोस मात्रा काट दे तो मेरा जी हो गई। अब जबकि न मेरा है न तेरा है। हाँ सो ऐसे जो है चल रहा है तो मामला जो है जी। और ये तो ऐसे है जो गीत गजलों की राजधानी माई दे, अरे इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा। हाँ गीत गजलों की राजधानी माई दे, अखियों में शर्म वाला पानी माई दे, हंस के जो चेहरे का प्याला यहाँ पे पिए, तो मीरा रानी सी कोई दीवानी माई दे, रग रग में नई रवानी माई दे, सबको तुझे सला सयानी माई दे, देश की अखंड तो अखंड खंड हो, सबको तू देख हिंदुस्तानी माई दे। जय 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 हो। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ ये आप पढ़वा रहे हैं। वाह वाह, क्योंकि मीरा जी ने अभी एक गीत गाया, भोजपुरी गीत गाया। अब हमें जो खासियत है अनजाना, कोई कितना भी कैसो भी गायक चला जाती है हमें हम का पकड़ ले। हाँ हाँ वो जी जी जी, तो कहो मीरा का पकड़े ना कुछ, सब सही घर का लड़का है नहीं तो, लेकिन हम मीरा को पकड़ लिए। कैसे पकड़ा? हाँ हाँ कैसे पकड़ा देखा? हाँ भोजपुरी गीत में, भोजपुरी गीत। हाँ कहीं जो है चार पंक्तियां भोजपुरी गीतिया। हाँ हाँ गाय जो है जैसे मन हो ऐसे पकड़ ले। हाँ जैसे मन हो ऐसे लाइनिया पकड़ा। हाँ बढ़िया कपड़ा, अरे मालूम कर दिया, आपको ये अच्छा सुनाएंगे। अब न देखा बुआ, अरे वाह यही रहा। न देखा बुआ चंद्रमा की ओर रसिया, तोहर रुकवाल देख ली आजोर रसिया, तोहर रुकवाल देख ली। हाँ बहुत बढ़िया सुना जो है आपने, एक जोरदार तालियां हो जाए। अब पहने पहने कुर्ती ओह पे सलवार चली हो, गोरी घूमई के सहसों बाजार चली हो, गोरी घूमई के सहसों। अब कहे कैसे मीरा जी, प्रात परिला महादेव घूमई चली, अब गोरी मानत मनौती हजार चली हो, तुलसी चौरा पे दियना उबार चलिया, गोरी घूमे के सहतो बाजार चली हो, तुलसी चौरा पे दाना के बार चली हो। जय हो जय हो। अब जब से जब से जब से तू जब से थरवई में मीरा जी आई ने है ने, अरे तब से कविता के फूल के बयार चली हो। जय जय हो।
ये अंबर जी है ये कलम नहीं उठाते सिर्फ मुंह उठा देते हैं कविता बन जाती है जो बात कहीं कहीं तो दम से झेलना पड़ता है लोग कहते हैं देखो साला मुंह उठा के चला आया क्योंकि हमको मुंह उठा के हर काम बनाना रहता है क्योंकि अनजाना भी बहुत शौकीन आदमी है अच्छा शौकीन इतना है कि नमकीन बगल में रखा रहता है अब आप समझ गए होंगे एक दिन शिकायत करने लगा जी, जी, जी। अपने मामा के लड़का से लड़कवा इनके मामा के लड़के का नाम है चुईल मुई और उनके दूध भट्टा बा और उनके भट्टा भाई खाए थे पीपाई के तो कहन जो है तो कहना अंबर भाई आ गए हैं उन लोगों ने कहा अनियारे ने कहा अंबर भाई तुरंत कविताएं बनाते हैं अब पूरा एकदम माहौल दिखाई दे रहा था कहना अंबर भाई इस माहौल पर कुछ कहिए जी हमने कहा अच्छा ठीक है बड़ा कठिन शब्द थे हाँ हमने कहा दरिया किला के उसमें रवानी मिला दिया दो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया पहुंचा नहीं नशा था अभी पूरे शबाब पर ये किसने मेरी शराब में पानी मिला ये बड़ा शेर हुआ शायर ने कहा इसको हमको दे दो हाँ हम कहे तुम यार ले लो यार कोई मना है क्या जैसे हम दूसरों को ले लेते हो वैसे तो हमारी ले लो आदेश का ये उत्तर प्रदेश से कोई कहीं भी आ जा सकता है 2022 के चुनाव से रोके बात है कि नहीं क्योंकि ऐसे है एक खिखाली सुन लपेट चली जा अखिलेश जी भी ऐसे कहे अखिलेश जी ऐसे गए खटखटाए तो सतीश मिश्रा जी निकल कहा हाँ का बात है पर साल वाला बात ना हो पाए साल कहे का बात है कहे बस खाली इतना बताई दिया खुश रहे तू सजा ये दुआ है मेरी मैं भतीजा तेरा तू बुआ है मेरी खुश रहे आप चले ज्यादा वाला पढ़ने लगा चदरा उदरा ओढ़ के जाएंगे जमाना खराब भी है इससे चदरा ओढ़े रहेंगे तो लगेगा कोई सब घर की लेडी जा रही है अब हमको बहुत खतरा रहता है मीरा तो बच भी जाती है हमको सारे बच्चे ना पाए उनका रात में बहुत दिक्कत होता है अब जब पर साल तो आपके यहाँ से निकले अमित आभास ने छोड़ दिया अब हमको ऐसे छोड़ दिया जैसे बाबा योगी ने सांस छोड़ दिया अब हम भटकते भटकते पहुंच गए हुआ फाफा मऊ अरे तो जब फाफा मऊ पहुंचे सोचे टेम्पू उम्पू पकड़ी आप अब समझ ले 4 बजे रहा 5 बजे रहा टेम्पू खुल चुका रहा अब सब नए नए लोग सारे टेम्पू लेके डबत रहे अब कुल हमका दूर से देखे खड़ी बा अब समझ ले हमारे बजे सरकारी बस प्राइवेट जीप कार मारुति टेम्पू कुल रुक गए हमारे पास आए कहा ये कहाँ चलेंगी हम कहें चलेंगी नहीं चलेंगे कहे अच्छा अच्छा इसका मतलब आप दोनों हैं कहे हाँ हाँ तो दोनों हैं तुझसे क्या कहे तो दोनों हैं तो कुछ लगभग ही करे आप बैठ गया हम कहे चलो ठीक है स्थिति कभी कभी ऐसे हो जाती है वाह और ये अमिताभ भास तो अपना मित्र है हाँ हाँ कहा गया अमिताभ व्यवस्था में लगा है अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं अरे उनको छोड़ने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों को तो हजारों लोग छोड़ सकते थे ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत है क्या अभी इसी में से क्या उनको उकसाई देते आराम से निकल जाते हैं ऐसे मीरा जी को एक जगह और जाना था तो मीरा जी का है हम जाते ही तो कहीं कहीं का क्यों छोड़ जा आयोजक मंडल से तो आज श्रोता मंडल से एक बुढ़वा उठा कहा कि सका हम ही छोड़ जाए क्या अवसर हम ही तो प्रदान करें तो बूढ़े कम नहीं होते हाँ हाँ बूढ़े कम नहीं होते कैसे कहा हाँ कैसे कहा जो देखिए बूढ़े कम नहीं होते इसमें तमाम बूढ़े बैठे हैं उनको पावर दे रहा है हाँ हाँ अब पावर ये दे रहा हूँ प्यार करिए इस उम्र में हाँ बेबसी कैसी सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी जब मैं जवान था तो ये सब नहीं दिखती थी आज बूढ़ा हो गया ताने मारती है बैठी बैठी सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तांबर भाई ने कहा
भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, हाँ जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। जय जय हसीनो हमको दे हर गिज में लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी बहुत जहरीला होता है। वाह वाह वाह, जय 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 जय। तो का दाल भात के साथ खाई परत है, ऐसे डायरेक्ट खा तो बहुत तेज तिथि आए। हाँ तो ये बूढ़ों को सही नजर से देखिए, क्योंकि ये बूढ़ दुनिया जिंदाबाद, ये जो सारी दुनिया जिंदाबाद जी, ये बुजुर्गों का जो सम्मान नहीं करते, ऐसी पीढ़ियां हमारे देश में पनपती जा रही है जी। ये बालक पंकज, अच्छा पंकज पासी, हाँ हाँ जिला पंचायत सदस्य, हाँ जीते जीते, हाँ कुछ मतों से जो सेकंड पोलर होता है वो भी विजयी होता है। हाँ हाँ हाँ, भगवान आपको आपकी विजय बनाए पंकज भैया। नहीं नहीं बरहल, और जंग है, जंग में ताकत अजमाई गई, यही बहुत है। ये लड़ाई नहीं होने पाएगी बासी, वाह ये लड़ाई नहीं होने पाएगी बासी, क्योंकि आप हैं हर दिल के अधिशासी। अरे क्योंकि आप हैं हर दिल के अधिशासी, आज नहीं तो कल जीतेंगे साथी, याद रखिएगा मेरे प्रिय मित्र पंकज पासी। वाह जय जय जय। तो अमित भाई अमिताभ जी हैं, छोड़ने गए। अच्छा एक मिनट बताइए, माला इसने बड़ा वजनदार बनवा दिया भैया ने, हल्का हो से, और सतीश यादव भैया ने नहीं, शरीर तो खैर दधीच की हड्डियों से बना है, हमने घर में कह दिया। हाँ अपनी औरत से हम कहे ये शरीर दधीच की हड्डियों से बना है, तो लोढ़ा लेके कहे फिर तोड़ के देखी का एक दिन, तो हमका डर लागे थे हम लाइक अंजाला कहना मत कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सारी औरतें एक ही प्रकार की होती है, इन्हें समझा तुम्हारी औरत कौन मक्खन की बनी है। हाँ हाँ, वो भी उसी मिट्टी की बनी है जिस मिट्टी की हमारी वाली बनी है। हाँ बाहर से महारानी अंदर जिस झांसी रानी, वो औरतिया का कहे तरकिस लड़िया प्रधानी जी लड़ा, तो हर औरतिया का कहते रहे। अरे हम कहे प्रधानी चुनाव लड़ा, हाँ कहे प्रधानी से लड़े से अच्छा है क्या कौनो तरक से लड़िया है वो ठीक बात। तो हम कहे अच्छा चला कोई बात है, हम कहे काहे नहीं लड़ी, कहे हमें बहुत खटकरम बा, तो नाई मानत रहे तो बिगड़ी, कहने लगी जिनका रजन मन मानू न जाऊ, बिना दारू के न जित व्यापर धानी र जाऊ। अरे जिनका रजन मन मानू र जाऊ, बिना दारू के न जित व्यापर धानी र जाऊ, जे जौन माने का कौन तौन दई दया, बदले में उनके सबके ओटे हाथ लैला, सब कुछ लुटाए बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जित गया प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जित गया, सबका मुर्गा बकरा और अंडा खियावा, घरे घरे जाए सबका दारू दयावा, पैकेट में भर के दा बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जित गया प्रधानी रजऊ। तो जब जीत जाबा राजा बड़ा मजा होई, हाँ। लपके गद्दा पे उछल उछल सोई, हर चुनर से घूम पे राजधानी रजऊ, बिना दारू के न। ऐसी स्थितियां आ गई कि अब फिर प्रधान बहुत युवा युवा जी युवा साथी बहुत प्रधान हुए, इसका मतलब अब की युवाओं के हाथ में बागडोर जी पकड़ा दी गई, और अब की सरकार ने भी फैसला लिया है कि युवा ही विधायक सांसद बने, क्योंकि उन्होंने ऐसे नियम लगा दिए हैं कि दूधी छुपा के उच्चा चार छिपा, अब कहाँ चुनाव लड़ पाई है, नियम से खारिज हो गई है। ये अपना अमित आभास आ गया, इतना अमित आभास आ गया, पूरा चेहरे पे मधुमास आ गया, ऐसे लगा धरती के संग ये आकाश, और चार पंक्तियां भाई अमित भाई आपने, मैं चार पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, थरवई क्षेत्र में वाह ये धूड़ी बाग बनर्जी बंगला आपके गांव में जी, ये होनहार एक ऐसा युवा है जो पढ़ाई में भी तेज है, प्रतियोगी छात्र हैं,
आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन ये साहित्य के पुजारी भी हैं, कलम इनकी इनके हाथों की शमशीर है नहीं, शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। तो ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ। चार पंक्तियों से ये कहा, होठों पे सबके एक ही फरियाद रहेगा। जिस महान वीर के लिए लिखते हैं, मैं उसके लिए लिखा कि होठों पे सबके एक ही फरियाद रहेगा, दुश्मन तो हमें देख के बर्बाद रहेगा, जब तक जीव तब तक हमें याद रहेगा, वो आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। आजाद के इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, मैं इनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और चार पंक्तियां मैं देख रहा हूँ कि जिनके सर में कम बाल होते हैं उनको हम लोग नो बाल बोलते हैं, अन्नो बाल, अन्नो बाल बोलते हैं। जी जी। ऐसे तो भाई अजय प्रेमी के भी सर में कम बाल हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये कह रहे नहीं नहीं, आ रहे हैं पितर पक्ष के बाद ऐसा ही होता है मंजर। हमने कहा चलिए ठीक आ रहे हैं, फिर भी मैंने इनको लेकर के ये पंक्तियां बनाई जो है। जी। पूछना हाल चाल बाकी है, घूमना नैनीताल बाकी है, ऐ हसीनों इसे भी ले जाओ, सर में दो चार बाल बाकी है। एक चार लाइन और अनजाना देखा, नए ढंग के लिखा। हाँ। कि उसकी रग रग में बेवफाई है, उसके रग रग में कोई नहीं दवाई है, जाने कब नाम बदल दे मेरा, मेरा महबूब भाग पाई है। वाह वाह। पता नहीं कब नाम चेंज कर दे, कदरी वजरी सुनाए गया, धुक्कुर धाएं चला जाए। एक एक चार पंक्ति और सुन लीजिए। हाँ, यहाँ जी ये लोग जो सुनना चाह रहे हैं वही सुना दिया जाए, कहे नहीं ये लोग सुनने के लिए। पहली बात, ये लोग कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आप बनो विज्ञान समझा करो। एक बजे के बाद कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, चाहे वो उसकी औरतें क्यों। देखिए एक बजे का मतलब होता है कुछवा उल्लू तक बेचारे सो जाते हैं, जबकि उनका रात नहीं लिखा है। हमने एक उल्लू से पूछा। हाँ। तो हमने कहा कि सो रहे हो, तुम्हारा तो रात कहीं इतने उल्लू भी नहीं यार कि एक बजे बादल में सोई। तो उल्लू अपन सोते रहते हैं। आतन सबसे देर में आई है तो खूब लहाय की पहा। हाँ, लहाइक से पढ़ते हैं। हाँ, और मनोरंजन नहीं देखा। अब लहाइक पढ़ते हैं, अब जन बहाइक पढ़े है। आ देखा कब को क्या कहूँ के खात ना, कभी सम्मेलन में तब मजा है, जवन कभी आवे वो हम बना रहा है, न ओका लड़किया के याद आवे, न औरत के याद आवे, न गोरु न बछरू न माई न बापू, केहूँ के याद ओका ना आवे, तब सच्चा कभी है। आ, माई नहीं पता चला हका हो बाबा हो गया। अच्छा जब आवे एक दिन नवे आए चुका उठाई देते। मतलब ये जो कभी लोग हैं इनको जाना नहीं चाहिए, अभी हमारे साथ जाते मगर नहीं जाएंगे। हमने एक से पूछा ऐसा क्यों, कहे सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ हाँ। का सब इकट्ठे चला जाए, सब बारी बारी से तो जा बच्चा। हम कहे जा बच्चा ऐसे तू चला जाए एक दिन बारी बारी से। तब कहें कि जो है। हाँ। हम तो सूरज है पूरब से निकल जाएंगे। वाह वाह। हम तो सूरज है पूरब से। हम तो सूरज है अजय भाई, हम तो सूरज है पूरब से निकल जाएंगे। हाँ। अम्मुम के शेर है जो लोग पिघल जाएंगे, हमसे टकराने की जरूरत न कभी तुम करना। हम है अजगर तुम्हें सीधा ही निगल जाएंगे, क्योंकि चाइना चाइना अबे सुन चाइना, तुमको सरहद पर
साले दिखलाऊंगा आईना चाइना चाइना अबे सुन चाइना मेरे सामने टिक न सकोगे मेरे बाजार में बिक न सकोगे तेरे जमीनों का मैं एक दिल करवा लूंगा माइना चाइना चाइना अबे सुन चाइना। वाह वाह। हाँ चलो कोई बात है, यूट्यूब प्यारा ध्यान दिया करिए, ऐसा कुछ है नहीं भाई, हम कविता के महारथी हैं, आप अगर बीच में टोक दिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा देश तो ये दूध भात खाएगा, हमारा देश तो दूध भात खाएगा, इधर जो आँख दिखाएगा लात खाएगा। ये बीज रस की कविता हास्य में है, इसको इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई। हाँ अकुल सारन के खेत के महाराज जौन हो तुम देखा जाई। अजी जी एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई। हाँ अकुल सारन के दौड़ के महाराज जौन हो तुम देखा जाई। हमारे देश के कुल कुकुरे हमारे देश के कुल कुकुरे जो पाकिस्तान पे भूख दे और एक मिनट में चीर चार के हड्डी गुड्डी भूख दे, अब तोहरे देश हो के हमारे देश के पूरा रेखा जाई, कुल सारन के खेत जो हो तुम देखा जाई। आपने बहुत बढ़िया सुना जो है, चार पंक्तियां आओ आप जी दो चार पंक्तियां बढ़िया सुनाने की कोशिश जी जी। हाँ दो चार पंक्तियां नई हो जाती हैं जी, हम कहे तनके सुना जी। हाँ हाँ मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, मुझको डसते हैं आस्तीन, मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, है कई लोग मेरे नाम से जलने वाले, कह दे सूरज से कोई चमके न खिलाफ मेरे, हम है पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले, वाह वाह, हम है पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले। अब कहते हैं जो है बदन की तेरे बल खाती अदाएं याद आती हैं, हाँ तेरी जुल्फों को जब देखूं घटाएं याद आती हैं, मोहब्बत में फंसे कुछ इस तरह ऐसे तोड़ दे, ये लोरा की अजंता की गुफाएं याद आती हैं। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए, आज वाला तेमा आएगा। हाँ अभी कहाँ से आएगा, लाइव चलाने के लिए आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, हाँ आंखों में अपने जादू सोना लिए हुए, इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन करोना लिए हुए, उसको मिलेगी दुल्हन करोना लिए हुए। और चार पंक्तियां यहां से जी, एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, वाह वाह, से बड़े कर जहां में भला कौन है, वाह दूसरे लोग तो तुमको देंगे तगा, अपने भाई से बढ़कर तगा कौन है, वाह वाह, अपने भाई आपके बीच में जो है जी ठुकुरधाए का बंद करा, मौसम भी बेईमान हो रहा है, बारिश का देखा है, लोग भी जो है जाना चाह रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हाँ लोग आते रहेंगे सुबह शाम तक, कोई भी तेरा दर भूल सकता नहीं, वाह।
अब आसमां से जो टूटकर सितारा गिरे फिर दोबारा कभी वो चमकता नहीं। वाह, अगर उसकी कृपा हो जाए, हाँ जर्रा भी सितारा हो जाए, मैं चाहता हूँ इतनी रात गए कोई तो हमारा हो जाए। वाह वाह वाह, कोई तो हमारा हो जाए, क्योंकि मेरी व्यथा कथा सुनने को न इतने अच्छे मिले श्रोता। हाँ, मैं जुगनू की मौत मर गया वरना मैं भी सूरज होता। मैं जुगनू की मौत मर गया वरना मैं भी सूरज होता। इसलिए कहते हैं मैं अपने हुनर की ये हनक छोड़ जाऊंगा। हाँ हाँ, कुछ कर गुजरने वाली सड़क छोड़ जाऊंगा, ना जाने मेरे बाद भी चमकेंगे कितने चांद। मैं डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह, डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा। अंबर भाई ने क्या कहा, गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, जब से गई हो खुद ही जब से गई हो तेरी खाना बनाऊं विश्वास करे मेरे अकेले पल का जान जरा सा एहसास करे तुम बुलाऊं फोन लगाऊं या दुनिया से उठ जाऊं तुम्हें क्या हो गया है सब पूछते हैं अब तो चलिया मेरी जिंदगी का सवाल है दो तुम ले गई और दो तुम दे गई तो कैसे इन्हें खिलाओ तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है जब से गई हो सो नहीं पाया हंस नहीं पाया रो नहीं पाया कितना मुझे सताया तुम्हें क्या हो गया है। और चलते चलते तो कुछ और तब अगर फरमाई, ये बारिश का मौसम है, धुक्कुर धा कैसा हाँ। है कि धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खा धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खा मोदी योगी दुलो परानी रबड़ी का तय दोना में ठोकर ठोकर खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में साधु सन्यासी अफगारिन बैठ के बोली है धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खा लड़की जी एक सिम लेकर घूम रही है बागी में दहू वो पिटवा अलगे हो गए रोटी से कह आगी में माई बाप द्वारे बैठ के फेंक रहे हैं खा खा धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खाए अजय बासा दी सुदाए देखो घूम रहा है शिमला में क्योंकि उसका मन लग गया अपने रानी बिमला में ये बार रतिया बोल रही है धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खाए ये तोते कुछ तगड़ा है ये तोते कुछ जबरा है तोते कभी भिड़े ना भाई ये रंग से चितकबरा है तोते सीधे साधे बोले जिन बोले तैयार बाय धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खाए। अब कहते है अनजाना भाई अंबर जैसा कौन यहाँ कहते हैं सतीश यादव की अंबर जैसा कौन यहाँ कहते राम बहादुर भाई अंबर जैसा कौन यहाँ कहते पंकज भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ बड़े गजब का कवि हम यहाँ बोली नहीं करे ताय धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुक्कुर खाए बड़े गजब के मिले श्रोता हम है चिड़ैया पे खोता कवि सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा ले इसने गोता मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए धुक्कुर धाय अनहर पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद।